रायबरेली में भाजपा के पक्ष में एनजीओ सम्मेलन एवं प्रबुद्ध वर्ग की जनसभा संपन्न हुई। शहर के प्रभु टाउन में संपन्न हुई जनसभा में कार्यक्रम संयोजक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रबुद्ध जनों और एनजीओ के माध्यम से समाज को अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की बाल कल्याण एवं महिला विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रबुद्ध समाज के लोगों से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश की जरूरत बताई और कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। देखिए, ये तो जनता है और जनता में अपनी बात रखने का, और हमारे साथ जो मनोज जी शामिल हुए हैं, मनोज पांडे जी, तो वो भी आए हैं अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ आए हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश, एक मैसेज जाता है कि सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का पूरा हर भरकस प्रयास कर रहे हैं। और हम समझते हैं रायबरेली की जनता बहुत ही होशियार है, वो जानती है कि विकास के साथ जुड़ना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनना है। जो 400 पार का मोदी जी का नारा है, इस पर कांग्रेसियों का कहना है कि अब की डबल इंजन की सरकार में से 400 में से 4 हट जाएगा। देखिए, सभी की अपनी अपनी विचारधारा है और हमारा तो ये कहना होता है, हम दूसरे की बात कभी नहीं करते। हमारी अपनी बात ये होती है कि हमें अपने काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती रहती है और कार्य करना वो कभी नहीं भूलती। वो रात दिन हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, सदर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूँ। आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ था यहाँ, जो मेरे साथ में एनजीओ प्रकोष्ठ का भी सम्मेलन था। इसमें जनपद रायबरेली के जो भी प्रबुद्ध समाज के लोग, चाहे काय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, छत्री समाज हो, भारत विकास परिषद हो, रोटरी क्लब रायबरेली हो, इस तरह के काय, अखिल भारतीय काय महासभा, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा, इन सभी लोगों ने मिल करके सभा किया है और ये एक स्वर से सब लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।